इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने मुस्लिम उम्मीदवार को दिया टिकट। जाने केरल के किस नेता पर जताया भरोसा। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट शनिवार को जारी कर दी। इसमें कुल 195 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। खास बात यह है कि बीजेपी की पहली लिस्ट में एक मुस्लिम कैंडिडेट का नाम भी शामिल है। जी हाँ, केरल की मलप्पुरम लोकसभा सीट से डॉक्टर अब्दुल सलाम पर पार्टी आला कमान ने भरोसा जताया है। भाजपा का यह फैसला कई मायनों में चौंकाने वाला है। बीजेपी की इस बात को लेकर आलोचना होती रही है कि लोकसभा चुनाव में पार्टी मुस्लिमों को टिकट नहीं देती है, मगर इस बार डॉक्टर अब्दुल सलाम को चुनावी मैदान में खड़ा करके पार्टी ने बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। बता दें कि डॉक्टर अब्दुल सलाम केरल के तिरुपुर से आते हैं। 2021 में उन्होंने 135 मेमोम निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। अब्दुल सलाम कालीकट यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके हैं। इस पद पर वह 2011 से लेकर 2015 तक थे। साल 2019 में अब्दुल सलाम भाजपा से जुड़ गए। रिपोर्ट के मुताबिक वह उनकी कुल संपत्ति 6,47,00,000 रुपए है और उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है।